YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 21 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार है। शक संवत 1943, विक्रम संवत 2078। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रात में 8:58 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी। नक्षत्र अश्विनी दिन में 4:19 तक है, उसके बाद भरणी नक्षत्र है। सूर्योदय 6:20 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5:40 पर होगा। आज से पवित्र कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। हालांकि कार्तिक महीने का स्नान दान नियम कल से ही यानी आश्विन पूर्णिमा से ही शुरू हो चुका है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की बात की जाए तो इस पक्ष में षष्ठी तिथि की वृद्धि है और चतुर्दशी तिथि का क्षय है, इसलिए यह पक्ष पूरे 15 दिनों का है। इस पक्ष में 3 गुरुवार पड़ रहे हैं, जो व्यापार जगत के लिए शुभ संकेत है। पीली धातु के क्रय विक्रय से लाभ होगा। आयुर्वेद और धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में दाल और मट्ठा दोनों नहीं खाना चाहिए। इस पक्ष में पड़ने वाले व्रत त्योहारों की बात की जाए तो चातुर्मास के 4 महीनों तक चलने वाला अशून्य शयन व्रत 22 अक्टूबर दिन शुक्रवार को संपन्न होगा। वहीं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत और पति की दीर्घायु और सुख शांति के लिए किए जाने वाला करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को है। अहोई अष्टमी 28 अक्टूबर को, जबकि राधाष्टमी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। रंभा एकादशी का मान 1 नवंबर को है। आज ही सायंकालीन द्वादशी में गोवत्स द्वादशी मनाई जाएगी। धनवंतरी जयंती सहित धनतेरस का मान 2 नवंबर दिन मंगलवार को होगा। भौम प्रदोष का व्रत भी 2 नवंबर को है, जबकि मास शिवरात्रि का व्रत 3 नवंबर बुधवार को होगा। वहीं 4 नवंबर दिन गुरुवार को देशभर में हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई जाएगी। आज दिन में 4:19 तक प्रसूति स्नान, जात कर्म, अन्न प्राशन, वाद्य कलारंभ, विपणी व्यापार, क्रय विक्रय, नव वस्त्र धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, पौधारोपण, सेवारंभ, शस्त्र धारण, शय्यासन आदि के उपभोग, दत्तक पुत्र ग्रहण, आवेदन पत्र लेखन, इष्टिका निर्माण, शल्य कर्म और वाहन क्रय के लिए मुहूर्त है। आज से आकाश दीपदान आरंभ हो जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में आकाश दीपदान से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीपदान करें। जो मनुष्य प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा कर तुलसी दल समर्पित करके सायंकाल या रात्रि में आकाश दीप देते हैं, उन पर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को घर से निकलने से पहले जीरा खाना चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।